मिर्जापुर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे। मामला जिगना थाना के डंगर गांव का है, जहां 5 बिस्वा जमीन पर कोर्ट ने स्टे कर दिया है। उसके बाद भी दबंग खुलेआम उस पर निर्माण कार्य करा रहे हैं, जिसके बाद इसकी शिकायत पीड़ित ने कई बार पुलिस थाने में की, लेकिन पुलिस हर बार मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। तब पीड़ित ने तंग आकर डीजीपी को फोन किया और मामले की जानकारी दी। पूरा मामला ऐसा कि इससे हुआ है, उसके बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं। हमने थाना SO और SP DYSP IG सबके यहाँ गया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर जब हमने कल 3 दिन से लोग 3 बजे रात को मिट्टी डालते हैं, 100 नंबर आती है, बोलते हैं हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हम पकड़ेंगे नहीं। उनके सामने JCB पकड़ी गई। थाना जिगना ने कल 3 आदमी को पकड़ा, ट्रैक्टर सहित, JCB सहित, और छोड़ दिए। फिर आपने क्या फिर किया? मैंने जो है DGP साहब को फ़ोन किया। हमको तो आशा नहीं थी कि वो उन्होंने ऐसा मेरा काम करेंगे, लेकिन जैसे ही हमने फ़ोन किया वैसे तत्काल उन्होंने कप्तान को फ़ोन किया, मिर्जापुर कप्तान को, और कप्तान ने तब जाके जो है ये चीज़ को संज्ञान लिया कि हाँ स्टे है, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं DGP ने मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आदेश SP को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्राम नंगहर में एक जमीन का मसला है, जिसमें 2 मुख्य पार्टी हैं, आशीष तिवारी और वर्सेस राजा राम तिवारी। तो इन लोगों ने जमीन खरीदा है एक ही घाटे से, तो इनका कहना है, राजा राम तिवारी का कहना है कि हमको कम मिली है जमीन, ये तो उसी के लिए इन्होंने वाद दायर किया हुआ है कोर्ट में। तो उसी वही हम लोग देखने आए थे, जाँच करने के लिए आए हुए थे, जानकारी लेने यहाँ पर आए हुए थे कि क्या मसला है। तो मुख्यतः ये जमीन का ही मसला है, और न्यायालय में चल रहा है विवाद, न्यायालय से ही हल हो। फिलहाल पुलिस ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया और मामले में जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। देखना होगा DGP के निर्देश के बाद मामले में कार्रवाई की जाती है या नहीं। पंजाब केसरी TV के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।